पूर्णिया के रुपौली को लेकर के बहुत ज्यादा साथियों के साथ गहरी वार्ता की। कुछ साथी विचारधारा से अलग हटके जो हमेशा कभी पैसे को लेकर कभी कुछ को लेकर गलत विचारधारा गलत लोग और गलत व्यक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं ना मैं करूंगा। रुपौली की जनता सफर करती है बहुत दिनों से। मैं जब रुपौली जाता हूं, रुपौली के जो हालात है समाज में कमजोर तबके के लोगों का, आप उसका ख्याल रखें, करें कि लगभग अत्यंत पिछड़ी जाति दलित, चाहे वो शर्मा हो, तत्मा हो, चाहे निषाद हो, केवट हो, गोरी हो, मला हो, बींद हो, चाहे वो खेवरत हो, चाहे किसी भी जाति समाज के लोग, उनकी आर्थिक सामाजिक परिवेश अच्छी नहीं है। हम रुपौली को प्राथमिकता में देख रहे हैं। हमारा जो संसदीय जीवन है उसमें रुपौली मेरे लिए प्राथमिकता है। हर परिस्थिति में रुपौली में अधिक से अधिक रेल कनेक्टिविटी, एनएच कनेक्टिविटी, इसको मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन आज जो रुपौली का विधानसभा चुनाव है उसमें खास तौर पर मैं समाज के दलित, आदिवासी और अत्यंत पिछड़ी जाति माइनॉरिटीज से आग्रह करेंगे, ऐसे लोगों से बचिए जो लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आपके साथ कभी न थे न आगे रहेंगे। मैं समाज के उस तबके के वर्ग से कहूंगा, आप याद कीजिए, आपके लिए हमेशा पप्पू यादव खड़े रहे, और जो ऐसे साथी आपके लिए लड़ते रहे हैं उससे कभी अलग मत होइए। मैं व्यक्तिगत तौर पर रुपौली विधानसभा में चुनाव में आ पाऊंगा या नहीं वो मैं 5 के बाद बता पाऊंगा, लेकिन रुपौली में हमारे साथी जनप्रतिनिधि, वर्तमान में मुखिया जी, जिला पार्षद, वार्ड काउंसलर साहब, पंचायत समिति, ब्लॉक प्रमुख, जो भी है, पूर्व प्रमुख, पूर्व मुखिया जी, पूर्व जिला पार्षद, उनसे मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध विनती है कि हम लोगों को बहुत लंबा चलना है। 6 महीने के बाद पुनः 8 महीने के बाद चुनाव होगा। अपनी संभावना को और अपने समाज को आप कमजोर ना करें, भविष्य आपके हाथों में है। और मैं आपकी ताकत हूं, आप मेरे खून हैं, और हम लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, तो इस चुनाव को
किसी भी परिस्थिति में दिल की गहराइयों से मैं आपसे कहूंगा कि आज जरूरत है एक एक विधानसभा में यदि इंडिया गठबंधन के पक्ष में विधानसभा 5 जीत आज चला गया तो सरकार के रूप में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरे सामने कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमें लाइक नहीं करता है, ये मैटर नहीं है। मेरे सामने में लक्ष्य बड़ा है और मैं बड़े लक्ष्य के लिए जनता से अपील करूंगा और मैं अपने साथियों से, सभी वर्कर से, सभी नेता से कि आप एक साथ मिलकर, दो ही उम्मीदवार वहां हैं, या तो एनडीए गठबंधन है या इंडिया गठबंधन, और मेरा विचारधारा कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कांग्रेस की विचारधारा क्या कहती है उसको आप खुद सोचें।